बीपी कैसा है? थोड़ा सा हाई है। मेरे सुनी थी आपने? सूप का चेक करता हूँ, वो पिए और रेस्ट करें। आज हॉस्पिटल से छुट्टी की थी आपने, लेकिन आराम नहीं किया। वैसे तुम दोनों भी ना हद करते हो, किसी और की औलाद के लिए अपने ही बच्चे को डांट रहे हो। सोफिया, हम हसन के माँ बाप हैं, अगर हम उसे नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? शरी, समझाने में और डांटने में बहुत फर्क होता है। वो भी लड़की है और इतनी मासूम नहीं है, बहुत चालाक लड़की है वो। चलें छोड़ें पप्पो, खत्म करें इस टॉपिक को। जितना इस मामले को तुम हल्का ले रहे हो ना, इतना छोटा मामला है नहीं वो। हसन ने बहुत बड़ी हरकत की है। तुम्हें नहीं लगता शेरी कि तुम्हें इस मामले को सही से हल करना चाहिए? अब तुम ही बताओ हम क्या करें। जो होना था वो तो हो गया, मैंने उसे समझा दिया है, फिर समझा दूंगा। समझ नहीं रहे हो शेरी, तुम जितना हसन को समझाओगे ना वो उतना ही चिढ़ेगा। तुम्हें तो बल्कि ये करना चाहिए कि उस लड़की से कहो कि हसन से माफी मांगे। वो कमाल कर रही हैं आप। एक तो उस लड़की से गलत बात कही गई और आप कह रही हैं वही माफी मांगे। तुम अभी छोटे हो, चुप करके बैठो, समझे? तुम कुछ नहीं जानते। बेशक अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर एनालाइज कर सकता हूं कि सही क्या है और गलत क्या। पोपो, ये छोटी सी माफी ना मेरे भाई को किसी बड़े कदम पे उकसा सकती है। सो डैड प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आई थिंक इंसल्ट हसन की हुई है, तो उसे ही डिसीजन लेना चाहिए कि वो उसे माफी मंगवाता है या फिर खुद ही माफ कर देता है। क्यों हसन? हाँ, वैसे भी हर चीज का बदला है, माफी नहीं तो थप्पड़ का बदला। थप्पड़ मेरे धक्के देने का बदला वो अगर धक्का देके लेना चाहती है तो शौक से ले, मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा किसी लड़की पे गिरने। अगर कोई बात सड़क की है तो मैं उसके बाप से बात कर लूंगा, लेकिन अगर वो पुरानी दुश्मनी को हवा देना चाह रहे हैं तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। उसके सारे खानदान को जमीन में ना गाड़ दिया तो सैफ खान मेरा नाम नहीं। लगते खानों का दिमाग ठिकाने आ गया, सुलह के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बोलो अमरोज खाना, कैसे फोन किया? मैं अमरोज खान नहीं, उसकी बीवी बोल रही हूँ। शांजे, कैसी हो तुम? मैं जैसी भी हूँ ये बताने के लिए फोन नहीं किया मैंने। अगर अपनी और अपने खानदान की खैरियत चाहते हो ना तो अमरोज के रास्ते में आना बंद करो। सुना तुमने? अगर न करूं तो क्या कर लेगा वो चूजे का बच्चा? बकवास बंद करो। क्यों, चूजे का बच्चा ठीक नहीं लगा?
वैसे दिल खोस कचूजे से भी छोटा है। तो तुम उसे आजमाना चाहते हो? चले हुए कारतूस को कौन आजमाता है? शमसे खानम, अगर वो मर्द का बच्चा होता तो कत्ल के बदले कत्ल करता, ऐसे सर झुका कर तुम्हें न ले जाता। मेरे जाने की अगर इतनी तकलीफ थी तो अपने चाचा की गर्दन चुड़ाने के लिए अपनी बहन पेश क्यों नहीं की? कातिल उसका भी तो चाचा ही था। बहुत जुबान लग गई है तुम्हें? हाँ, इसी जबान से समझा रही हूँ, समझ जाओ। अभी तो एक लड़की आई है खून बहा के नाम पर। ये ना हो के सारे खानदान की औरतें तुम जैसे बेगैरत मर्दों की गर्दनें चुराती तराजू चढ़ती रहे। फोन बंद कर दिए। अभी मैं तुम्हें बताता है गर्दनें कौन चुराता है। रोज खान बेगैरत बीवी से कॉल करवाते हैं। रखो। चाय ठंडी हो गई। खाना, समुद्र खाना। क्या बात है खान, इतना गुस्सा? जुम्मे को खानों के उजरे पर जाना है, भूल मत जाना, सुना? छोड़ो खान, तुम ये बताओ कितनों की जान लेनी है? जान किस की और कब लेना है इसका फैसला मैं करेगा। अभी तो सिर्फ उन बेगैरतों को चेक करना। भाभी, वो लाला की जीप की चाबी ला के दो, मुझे जाना है, जल्दी करो जल्दी। तुम किधर जा रहे? हम औरम को शहर जाना है, जल्दी भाभी। अच्छा ठहरो, हम तुमको खाना ला के देते हैं, हमारी गोले को भी देते हैं। बोलो बच्चा, दे आओगे? वो शहर से कहती है ना, तो आज घर का खाना खा ले। रुक जाओ मोरे, उसको यहीं पे खाना खिलाना, उसी को लेने जा रहा हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती लोगों की बातें, नहीं सुन सकता। और भाभी तुम जल्दी करो, चाबी दो। अरे वाह कान, शुक्र है तुम में भी हया आई। मैं तो समझी थी कि तुमने अपनी गैरत किसी चीज के गज बेच ही डाले। सुन लो इसकी बात। वो बच्चा क्यों जलती पे तेल डालता है? तुम्हें ये आग भड़का के क्या मिलता है? वाकई आग भड़का के मिलता तो कुछ भी नहीं है मोड़े। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि कब सब जल के राख हो जाए और उस राख से पीका पीका धुआं निकले। यहाँ कुछ जल के राख नहीं होगा इंशाल्लाह। और तुम ये जलने मलने की बातें बाद में करो, जो कहा है उतना करो। जाओ चाबी ला कर दो। कैसे ला दूं बगैर पूछे? तुम्हारे लाला घर पर ही नहीं है, वो तो दादी के साथ मस्जिद गया दरस सुनने। बच्चा तुम भी जाके दरस सुन कर आओ, और सुनो अकेले शहर मत जाना, अमरो से पूछ लेना, वो जैसा बोले वैसा करना। वो ही सजाने देगा, उसका अपना दिल मर गया है क्या? क्यों मोरे, गुले को लाने के लिए अमरोज लाला की इजाजत चाहिए, उसको खुद बता देना जा रहा हूं मैं। खुदाया, गजब का मिजाज है, गजब।